या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। इफ्तार करने की दुआ अगर रोजा खोलने से पहले पढ़ ली तो रोजे पर कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा? तो रोज़ा इफ्तार की दुआ अगर रोज़ा खोलने से पहले पढ़ भी ली तो भी उससे रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। बेहतर यह है कि उस दुआ को इफ्तार करने के बाद यानी खाना वगैरह खाने के बाद ही पढ़ें और रोज़ा जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें। रोज़े से पहले दस्तरखान पे नॉर्मल दुआएं करें अपने लिए कि रोज़दार की दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है। तो रोज़े के वक्त या रोज़े से दो चार मिनट पहले दस्तरखान पे बैठ कर दुआ करें और जब अज़ान शुरू हो तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है वो खाना वगैरह खाया जाए और रोज़ा इफ्तार करने के बाद वो दुआ पढ़ी जाए। लेकिन अगर पहले भी किसी ने पढ़ ली, जैसा कि रिवाज है ज़्यादातर लोग इसको पहले ही अक्सर जनरेशन पढ़ती है दुआ को रोज़ा खोलने से पहले, तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बाद में पढ़नी चाहिए और इसी की तरगीब भी दिलानी चाहिए। अब अपनी ज़रूरत के लिए आसान वजीफ़ा तलाश करना हुआ और भी आसान, विजिट करें wazifa.sms.farsi.com पर और अपनी दीनों दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।